बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नान खटाई की रेसिपी लेके आई हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। ये ड्राई फ्रूट नान खटाई है और इसे बनाना तो बड़ा आसान है। चलिए जी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके लिए मैंने सारा मेजरमेंट कप के नाप से ले लिया था, तो मैंने एक कप के नाप से मैंने मेरा होममेड घी ले लिया था। घी को ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, जमा हुआ घी लेना है। तो एक कप के करीब मैंने घी ले लिया था और उसी कप के नाप से मैं ले लूँगी चीनी। चीनी को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था, अच्छे से बारीक वाली पीस ली थी, बिल्कुल मोटी नहीं रहनी चाहिए चीनी, नहीं तो नान खटाई का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और चीनी डालने के बाद मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाए ना वहाँ तक मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और ये अच्छी तरीके से फेंट जाएगी ना, उसके बाद मैं इसमें मैदा सूजी सब चीज़ें ऐड कर दूँगी। और माशाल्लाह से ये अच्छी तरीके से फेंट गई थी। उसके बाद मैंने एक छन्नी ले ली थी और छन्नी में मैं सारी चीज़ें छान के ले लूँगी। वही कप के नाप से जिससे मैंने मैदा जिससे मैंने घी और चीनी ली थी ना, वही कप के नाप से मैंने मैदा ले लिया है। आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो, उससे भी बड़ी मज़े की लगती है ये। और हाफ़ कप के करीब मैंने हाफ़ कप के करीब मैंने बेसन ले लिया था और उससे भी हाफ़ कप के करीब मैंने सूजी ले ली थी। अब ये सारी चीज़ों को छान के मैंने ले लिया है, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने इलायची पाउडर डाला था 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और थोड़ा से सॉल्ट डाला था मैंने। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हल्के हल्के हाथों से इसको एक डो के तरीके से मैं इसे गूंद लूँगी। और मैंने कुछ काजू और बादाम को भी चॉप करके डाले थे इसमें। अब ये ढक के मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। और एक प्लेट में मैंने घी लगा दिया था और उस पर बटर पेपर लगा के भी उस पर भी घी लगा दिया था। अब छोटे वाले कप के नाप से मैं सारे लुए ले लूँगी, अच्छे से गोल कर लूँगी हाथों से और थोड़ा दूर दूर मैं इसे रखूँगी, ज़्यादा पास में नहीं रखूँगी, नहीं तो नान खटाई अच्छे से फूलेगी नहीं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से राउंड शेप में ले लिया था और ऊपर चॉकलेट चिप्स लगा दिए थे और सारी नान खटाइयों को मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। तो मैंने पतीले में वही सॉल्ट डाला है जो मैं बेक करने के लिए यूज़ करती हूँ और एक स्टैंड रख दिया था। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं। और आँच को आपको मीडियम रखना है, ज़्यादा लो नहीं, ज़्यादा तेज़ वाली आँच नहीं। और माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट हो चुके थे और मेरी नान खटाई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हो ये अपने आप से ही फ्लैट हो गई है और इसका कलर भी सुनहरा कलर आया था, बहुत बेहतर कलर आया था। और सारी नान खटाई को मैं सेम इसी तरीके से बना लूँगी। थोड़ी नान खटाई में मैं चॉकलेट चिप्स नहीं लगाऊँगी। और आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर दीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।